हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एयरटेल पोर्ट सिम में नेट नहीं चल रहा है। तो गाइस, अगर आपके पास गाइस आपने जो है अपने किसी भी सिम को जो है आपने एयरटेल में गाइस पोर्ट किया था, लेकिन पोर्ट करने के बाद गाइस जो है आपके सिम में गाइस आपके पोर्ट करे हुए सिम में आपका नेटवर्क नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा है, तो गाइस आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो आज की वीडियो में यही बताऊंगा। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आपको अपने फ़ोन के जीमेल में आ जाना है। जीमेल में आने के बाद नीचे आपको कंपोज का बटन शो होगा, सिंपली से आपको कंपोज वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे गाइस क्लिक कर दोगे आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको सब्जेक्ट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर गाइस सब्जेक्ट लिखना है पोर्ट सिम, नेटवर्क पोर्ट सिम, इंटरनेट नॉट वर्किंग, पोर्ट सिम इंटरनेट नॉट वर्किंग ये लिखना है। ये लिखने के बाद गाइस आपको यहाँ पे कंपोज ईमेल पे नीचे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे लिखना होगा डियर सर एंड मैडम लिख लेना है। लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको लिखना है नेम। तो गाइस जो भी आपका नेम रहेगा, आपका नाम रहेगा, आपको यहाँ पे अपना नेम लिख लेना है। नेम लिखने के बाद गाइस आपको यहाँ पे स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है मोबाइल नंबर। तो गाइस जो आपका मोबाइल नंबर रहेगा एयरटेल का, जिसमें आपने पोर्ट किया था अपने, उसको गाइस आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। आप मोबाइल नंबर लिखने के बाद गाइस आपको यहाँ पर एक रिक्वेस्ट लिखनी है जिससे आपका ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सके। गाइस यहाँ पर हम रिक्वेस्ट में क्या लिखेंगे, गाइस रिक्वेस्ट में लिखना है आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट। ध्यान रखना है गाइस ये जो रिक्वेस्ट लिख रहा हूँ गाइस ज़रा सी मिस्टेक नहीं करना है आपको। जैसे मैं रिक्वेस्ट लिख रहा हूँ एज इट इज़ सेम वही रिक्वेस्ट लिखना है। तो गाइस यहाँ पर आपको फिर से स्टार्टिंग से बता दूँ आपको रिक्वेस्ट में क्या लिखना है। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट में लिखना है आई एम पोर्ट माई सिम माई एयरटेल सिम बट माई इंटरनेट नॉट वर्किंग आफ्टर पोर्टिंग सिम सो प्लीज़ चेक इट एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। गाइस ये लिखने के बाद आपके यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर लिख के हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर नीचे स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है थैंक्स एंड वार्म रिगार्ड्स। लिखने के बाद गाइस आपका जो ईमेल है यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब गाइस जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे लिखे हो एक बार आपको उसे चेक कर लेना है। तो फर्स्ट गाइस जो है आपको अपना नेम चेक कर लेना है, कहीं मिस्टेक तो नहीं करे हो। सेकंड आपको अपना मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें चेक करने, सारी चीज़ें कन्फर्म करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे ऊपर टू साइड शो रहा होगा। टू साइड गाइस आपको अपने एयरटेल की कस्टमर केयर की यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करनी है, जो आपको सिंपली से उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। जैसे गाइस एंटर कर दोगे, एंटर करने का सेंड कर देना है। जैसे गाइस ईमेल आप सेंड कर दो, जैसे गाइस कस्टमर केयर आपका जो ईमेल वो एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद वो चेक करेगा सिस्टम में कि क्या वजह है जिस वजह से आपका जो है इंटरनेट नेटवर्क नहीं चल रहा है। पोर्ट सिम करने के बाद गाइस वो आपसे कांटेक्ट करके आपको बताएगा कि कितने टाइम में आपका ये जो इंटरनेट है नेटवर्क जो है वो चलने लग जाएगा। तो गाइस आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है गाइस, ये प्रोसेस जो है आपका जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।